वाह डॉक्टर पिम, भला भला कोई सोच सकता है कि एक बार फिर से आपकी पुंगी बजेगी और आपको हमारी याद आएगी? नहीं नहीं, जलसा करो जयंती बेन। ओए मेरे बाप की बारात में आया क्या? केक वेक का बजट नहीं है अपने पास? तो फिर नाश्ते में क्या खाएंगे तेरा सर? अबे दलिया खा भिखारी। दलिया खिला रहा है भिखारी, ये तो घोर अपमान है। अपमान क्यों बे? गोबर जैसा स्वाद है उसका। ओए बंदर क्या जाने गोबर का स्वाद, ये देसी माल है। ये देसी माल नहीं, काली भैंस का गोबर। तुझे कैसे पता तूने गोबर खाया? दिखा थोड़ा, अरे मुंह से बात आएगी। ऊपर से थोड़ी दालचीनी, नमक स्वाद अनुसार, हनी के अनुसार। रुको रुको, सुनो 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 मेरी बात यार, यहाँ प्रॉब्लम तुम्हारे गोबर से बहुत बड़ी है। ये मेरी डेस्क है क्या? हाँ जी। क्या ये मेरी डेस्क इतनी छोटी क्यों है? जब खरीदी तब तू खराटे ले रहा था। जो सोवत है वो खोवत है। पर मैं तो नजरबंद था ना। हाँ जी। ये तो डेस्क है भी नहीं, ये तो कचरा है कचरा। ये डेस्क तूने जरूर किसी कबाड़ी से खरीदी होगी। कोई नहीं यार, चोर बाजार से लाया था। चांदनी चौक का चिंदी चोर नहीं का। होप प्लीज, हमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें उस लैब को ढूंढना है। न जाने कहां गए। ओ यार मैंने ना एक किस्सा सुना जैसे हमारे साथ हुआ वैसा। एक साइको पगलेट भूतनी जो दीवार के आर पार हो जाती है, जैसे जैसे चुड़ैल। वो चोटी काट चुड़ैल जैसी। अरे वो चुड़ैल चोटी काट, जो रात के अंधेरे में चोटी काट के छुमंतर हो जाती थी। कहीं आपकी तो नहीं काटी? चुराया किसी ने भी हो, ढूंढना हमें है। ऐसे लोगों को तुम नहीं ढूंढ सकती, वो तुम्हें ढूंढेंगे। जैसे चोटी काट चुड़ैल। अरे चाचा मेरे, आपका तो दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आपने अपनी लैब में कोई GPS ट्रैकर नहीं लगाया? नहीं लगाया नहीं है तो मैं कुछ दिखाता हूँ, सस्ता सुंदर टिकाऊ। बिल्कुल लगाया था लुईस, पर उन लोगों ने बंद कर दिया। जिसने भी लैब चुराई है वो पूरा होमवर्क करके आया था। देख के लगा कि वो फेजिंग कर रहे थे। फेजिंग? क्वांटम फेजिंग, जैसे कभी भाप कभी पानी कभी बर्फ। ओ हाँ हाँ पता है, भूल गया था। लैब से रेडिएशन सिग्नल्स निकलते हैं, क्वांटम स्पेक्ट्रोमीटर से हम उसे ढूंढ सकते हैं। हाँ ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन मेरा सारा इक्विपमेंट तो लैब में है। वो इक्विपमेंट हमें और कहाँ मिल सकता है? मैं एक बंदे को जानता, बिल फॉस्टर। हाँ तो सही है, ये बिल फॉस्टर कौन है? वो डैड के पुराने साथी हैं, शील्ड के। दोनों का 36 का आंकड़ा है। 36 के अलावा कोई और आंकड़ा आता है आपको? वो आदमी सिर्फ वक्त की बर्बादी है। अरे मैंने अपने घर से बाहर निकलकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है, कम से कम ट्राई तो करें। हमें लैब को ढूंढना ही होगा डैड।